नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से भराड़ीसैंण में अन्न भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान मांगल गीत के बीच पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित मिलेट भोज में तमाम पहाड़ी व्यंजन परोसे गए, जिनमें कोदे की रोटी, अरसा, झंगोरे की खीर, गैत का फानू, लाल चावल और आलू के गुटके बनाए गए थे। अन्न भोज के इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोटे अनाजों के प्रचार प्रसार के लिए अन्न भोज की तारीफ की और कहा कि राज्य में उत्पादित होने वाला पारंपरिक मोटे अनाज पौष्टिक गुणों का स्रोत है, साथ ही इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के मोटे अनाज मडुआ को खरीदने की अनुमति दे दी है। इस कड़ी में मडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,578 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आपको बता दें कि इस भोज का उद्देश्य मोटे अनाज के पौष्टिक गुणों का प्रचार प्रसार करने के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों के सेवन को बढ़ावा देना है। इस अन्न भोज के आयोजन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत कई अन्य विधायकगण और अधिकारी मौजूद रहे। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।